चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज किस क्लास में हम लोग सीखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर आपने प्रोटोन ही क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो देखिए आपको एकदम मैंने क्या बोला था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा तो वो प्रॉमिस पूरा करूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन परसेंट इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। बट सर आपने प्रोटोन ही क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एटम जो है, ठीक है, समटाइम्स क्या फॉर्म करता है? आयंस। ठीक है, अब ये आयन जो है कैटायन, एनायन हो सकते हैं। अगर कैटायन एनायन हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो है गेन और लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग एटॉमिक नंबर पे हम लोग ये नहीं लिखते हैं इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परसेंट इन एन एटम, प्रोटॉन ही मेंशन करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन गलती से मेंशन कर दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर तुमने लिख दिया इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, अगर आपने लिख दिया तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम आपने नहीं मेंशन करा तो फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से उठता है कि सर ये न्यूट्रल एटम फिर क्या है? तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं हीलियम का। ठीक है, हीलियम का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हीलियम का। ठीक है, एकदम यहाँ पे नीचे में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर 2 और इसके ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका होता है 4। अब ये मास नंबर क्या है मैंने अभी तो आपको बताया नहीं, बता भी देता हूँ यहाँ पे। मास नंबर जो है वो सम ऑफ होता है नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटोन तो पता चल गया सर 2 है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है इक्वल टू द प्रोटोन, प्रोटोन जितना होगा वही एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटोन है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर है तो ये नंबर ऑफ प्रोटोन 2 हो गया। अगर मैं तुमको मास नंबर बोल रहा हूँ तो मास नंबर क्या हो गया? मास नंबर, अच्छा एक सेकंड, पहले मास नंबर आपको क्लियर कर देता हूँ मास नंबर क्या है ना, फिर आते हैं इस एग्जाम्पल में तो ज्यादा बेटर रहेगा। मास नंबर, ठीक है, यहां पे लिखिए इट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, उसको बोलेंगे मास नंबर। तो जैसे मान लो एक कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जेड लिखा और यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूं, तो ये जो जेड है ना ये होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये ए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, ये क्या हो गया? मास नंबर। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया हीलियम का, हीलियम का एग्जांपल लिया, तो
तो यहां पे मैं लिखा था टू, तो ये जो टू क्या हो गया, एटॉमिक नंबर तो है, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो गया यहाँ पे, दो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मास नंबर, तो मास नंबर इसका हो गया चार। ठीक है, अब ये चार जो मेरा मास नंबर हो गया, मास नंबर मेरा फोर हो गया। ठीक है, मास नंबर, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि न्यूट्रॉन कितना है, तो अभी आपने क्या बोला कि सर जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जब हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन मेरे पास दो है, तो न्यूट्रॉन भी तो दो होना चाहिए ना, तब तो टू टू हो गया, फोर हो जाएगा, है समझ में। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना सीख गए। ठीक है, अब बात यहाँ पे आ रही है कि सर इसको न्यूट्रल एटम क्यों बोला जा रहा है हीलियम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज देखो मेंशन नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, अगर मेंशन रहता तो हम लोग इसको नहीं बोलते ये न्यूट्रल एटम, समझ में आया। तब तुम यहाँ पे वो भी बोल सकते थे कि सर इट इज द लाइक एटॉमिक नंबर पे मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तुम एटॉमिक नंबर बोल रहे हो तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा फॉर द न्यूट्रल क्या एटम ओनली, आया समझ में, क्लियर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा होगा सर हीलियम जो है, ठीक है यहाँ पे था सर टू, यहाँ पे था सर फोर, तो टू तो मुझे प्रोटोन मिल गया, प्रोटोन का नंबर मिल गया सर टू। ठीक है, अब सर यहां से मुझे न्यूट्रॉन का नंबर मिल गया था, न्यूट्रॉन का नंबर मिल गया टू, बट सर इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं मिला, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरे भैया अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कोई चार्ज मेंशन नहीं है, तो अगर जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, आया समझिए, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्लियर है, आया समझ में। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर चार्ज रहा तो फिर क्या होगा सर। चलिए चार्ज वाला भी केस बता देते हैं आप लोगों को, जैसे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं Mg 2+ और एक ले ले रहा हूं मैं N3-। ठीक है, इसका ये एटॉमिक नंबर दे दिया यहाँ पे और मास नंबर दे दिया गया, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर दे दिया गया, मास नंबर दे दिया गया। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ द केस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया, +2 चार्ज का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, है ना, उसके डोमिनेट नेचर क्या, तभी तो +2 है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया +2 चार्ज का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डोमिनेंट नेचर का है ना, तो इसीलिए लिख दे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने करने जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कितना कम है, तो दो कम है ना, तो -2 कर देंगे, तो प्रोटॉन कितना है, ये तो प्रोटॉन है, 12 -2 10 आ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -3 का मतलब क्या हो गया, इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मतलब ज्यादा है, तभी तो -3 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड आउट करता है, तो भैया प्रोटॉन से वो कितना ज्यादा है, प्रोटॉन से जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ऐसा कुछ। तो प्रोटॉन कितना है मेरा, ये है 7 + 3 आ गया 10। तो ये दोनों को न्यूट्रल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों में चार्ज लगा हुआ है। अगर चार्ज लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बता दिया। अगर चार्ज नहीं लगा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला से आप प्रोटॉन अगर पता है तो वही हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। आया, दोनों सेम हो गया, क्लियर है। न्यूट्रॉन तो बता दिया, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर से बताए तो हमें, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आराम से फाइंड आउट कर लोगे कैसे, कि भैया प्रोटॉन कितना दे रखा है, 2, और इसमें कितना ऐड करोगे जो तुम्हारा 4 आ जाएगा, तो 2 ही तो ऐड करोगे, तो न्यूट्रॉन का आ गया 4। क्लियर है, क्योंकि ये मास नंबर है, ऐसा समझ में। तो इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है। अब जरा देखिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने मास नंबर पे आप लोगों को बताया कि मास नंबर का जो डेफिनेशन है, मास नंबर का को रिप्रेजेंट तो ए से करते हैं, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मैंने आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बन है 3 आइसोटॉप्स। अब फिर क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये आइसोटॉप्स है क्या, ठीक है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, ठीक है। जब प्रॉमिस किया कि हर एक चीज को क्लियर करेंगे तो क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटॉप्स कहता है कि भैया जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर, डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते, जैसे यहां पे क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम सेम सेम, ऊपर में होता है मास नंबर, तो मास नंबर देखिए डिफरेंट है, ठीक है, इसको बोलेंगे ये आइसोटॉप्स है, क्लियर है, ठीक है। आइसोबार, आइसोबार कहता है सेम हम लेंगे मास नंबर और डिफरेंट लेंगे एटॉमिक नंबर। एग्जांपल क्या होना चाहिए, हमने कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7 अलग अलग होगा, बट दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, तो इसको बोलेंगे आइसोबार, ठीक। चलिए अब आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स कहता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल Na एंड Mg ले लिया, ठीक है, तो Na में लिखा हुआ है 11 एंड 23, इसमें लिखा हुआ है 12 एंड 24। अब जरा ध्यान से देखना, आइसोटोन्स बोल रहा था ये आइसोटोन्स तभी होंगे जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, तो हाँ भैया डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो दिख रहा है उनको, ठीक है। अब कह रहा है सेम न्यूट्रॉन्स होंगे, तो तुमको पता है कि ये मास नंबर है, क्या है, मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इसका 11 है, अब इसमें क्या ऐड करोगे जो 23 आ जाएगा, सर 12 ऐड करेंगे तो 23 हो गया, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, ये भी मास नंबर है, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन कितना है? 12। अब इसमें क्या ऐड करोगे जो 24 आ जाएगा? तो सर 12 ऐड कीजिए ना, तो ये आ गया 24। तो दोनों में देखो, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, देखो दोनों सेम सेम है, 12 12, तो वही तो कह रहा है सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझा दिया आपको। चलिए बैक टू विद दिस टॉपिक। मास नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो मेरा हो गया मास नंबर। अभी देखा आपको, कार्बन है 3 आइसोटोप। आइसोटोप्स का मतलब 3 आइसोटोप्स मान लो लिया हमने, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन तीनों में सेम होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन इसके पास भी, 6 प्रोटॉन इसके पास भी, 6 प्रोटॉन इसके पास भी। अब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन, इसके पास 7 न्यूट्रॉन, इसके पास 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कार्बन 12। ऐड कर दिए, इसको बोलेंगे कार्बन 13 और उसको बोलेंगे कार्बन 14। इसको ऐड कर रहे तभी तो ये मास नंबर हुआ ना, मास नंबर। ये भी क्या हो गया? मास नंबर। ये भी क्या हो गया? मास नंबर। क्लियर है? तो मास नंबर बेसिकली हमें आइडिया देता है हाउ टू कैलकुलेट द प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का आइडिया देता है, और ये भी बताता है कि कौन सबसे ज्यादा भारी है। तो यहाँ पे C14 जो है वो सबसे ज्यादा भारी है, क्योंकि ये C14 मतलब 12 13 14 14 तो ज्यादा होता है, तो ये इसका मास सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतना डिस्कस कर लिया। अब चलिए आते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम है, तो एकदम बिल्कुल गलत है, दोनों सेम कभी नहीं होता, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। और इसका क्या क्या नाम हो सकता है? इसका नाम हो सकता है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का नाम हो सकता है एटॉमिक वेट, और क्या नाम हो सकता है? इसका नाम हो सकता है एवरेज एटॉमिक मास, और क्या हो सकता है इसका, इसका हो सकता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर ये चारों नाम आपको कहीं पे दिख जाए ना, तो एकदम हड़बड़ाना नहीं, ये चारों सेम है और ये चारों जो है वो एटॉमिक मास ही है, ठीक है। अब इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या आप सिंपली यू भी लिख सकते हो, या सिंपली आप DA भी लिख सकते हो। DA मतलब डाल्टन, खोज किया था उन्होंने, ठीक है, डाल्टन। तो अब जरा ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक जगह आपको DA नहीं लिखा दिखेगा, आपको सबसे ज्यादा लिखा दिखेगा AMU या U, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो AMU या U आप जो बता रहे हो, वो मतलब कि एक मेजरमेंट है, लाइक एटॉमिक मास का यूनिट है ये, ठीक है। सर हमारा वेट जो है वो हम लोग बताते केजी पे, बट सर इसका आप AMU और U पे क्यों नहीं बता रहे, केजी पे क्यों नहीं बता रहे? अरे भाई ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, तो जिसको हम केजी में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 × 10²-27 kg होता है। देख लो कितना छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा बताना मुश्किल है, इसलिए इसको इस तरीके से हम लोग AMU और U के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो आप यहाँ पे लिखे हो एक टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास, ये नाम अलग अलग कैसे पड़ता गया, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जब इसका तुम डेफिनेशन अभी देखोगे तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है या जहाँ सारा क्वेश्चन वो क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक मास कहता है क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज
रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस डेफिनेशन को, बड़ा ही कॉन्सेप्ट के साथ सीखना। ठीक है, तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा डेफिनेशन को, पूरा एक बार भी नहीं बताऊंगा, तोड़ तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रिलेटिव मास, इसको भी बाद में देखते हैं, ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स टेकन एज 12 यूनिट। तो कार्बन 12 है क्या भैया? ठीक है, तो चलो मैंने ले लिया C12। ठीक है, C12 ले लिया। अब इसको क्या किया गया, इसको 12 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसका तुम एक हिस्सा ये वाला निकालोगे ना, जो एक हिस्सा निकालोगे तो यही जो है वो 1 AMU है। ठीक है, और ये कितना केजी के बराबर है, अभी बताया था 1.6 × 10⁻²⁷ केजी के बराबर बताया था। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, और भी तो थे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उसको क्यों नहीं लिया गया? तो देखिए इसके पीछे काफी बड़ा हिस्ट्री है कि उन्होंने पहले हाइड्रोजन को लिया था, फिर ऑक्सीजन को लिया था, फिर एक्चुअली वो लोग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे बट परफेक्ट रिजल्ट नहीं बन पा रहा था जो लोग चाह रहे थे, बट जैसे उन्होंने कार्बन 12 को लिया तो हर एक चीज उनको परफेक्ट मैनर में मिलना स्टार्ट हो गया, तो इसलिए उन्होंने कार्बन 12 को ही कंसिडर करके चला है। तो इसलिए एटॉमिक मास जो है लोग रिलेट करते हैं C12 से, इसलिए लिखा गया है कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब भी तुम्हें बताया था, है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, टेकन एज 12 यूनिट। तो C12 C13 C14 था बट C12 से ही उन्होंने ये एजम्पशन रिजल्ट दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किसने दिया, आपने दे दिया, हमने दे दिया? नहीं, इसको दिया गया IUPAC, एक ये संस्था का नाम है जिसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कब दिया सर? 1961 में दिया। अब इन्हीं के पास ऐसा पावर है कि कोई भी चेंजेस केमिस्ट्री में आया तो वो मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं आते, ये संस्था कब जनरेट हुई या हिस्ट्री के बारे में नहीं आते, बस आपको ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एवरेज रिलेटिव मास, ये जो टर्म है ना एवरेज रिलेटिव मास, अब इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है। तो एवरेज का डेफिनेशन अगर मैथमेटिक्स की भाषा में देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मान लो तीन बच्चे हैं क्लास में, अगर मैंने तीनों का मैथ्स में मान लो एक आया 10, 20, 30, तो मैंने बोला एवरेज निकालना, तो 10, 20, 30 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि तीन ही बच्चा था, 3 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है एवरेज रिलेटिव मास, तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन मतलब हमारे दुनिया में दो ही आइसोटॉप्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो क्लोरीन 35 NCl 37। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 35 + 37 ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे आएगा 36। बट आप अपने बुक को खोलना और वहां पे देखना कि एटॉमिक मास इसका दिया गया है 35.5 U। एटॉमिक मास जो दिया गया है वो दिया गया है 35.5 U। ये तो 36 आ रहा है,
गलत हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों जो है ना बराबर दावेदारी पेश कर रहा हो। बराबर दावेदारी का मतलब दोनों हमारे दुनिया में पूरे संसार में इक्वल अमाउंट पे अगर मौजूद है तब ये तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज फिर क्या करेंगे सर, तो पता लगाओ कि ये कितने परसेंटेज में अवेलेबल है और ये कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। तो पता लगाया गया कि ये 75% मतलब सबसे ज्यादा ही अवेलेबल है और ये 25% अवेलेबल है। तो 75 या 25, तो फिर इसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसका क्या है मास नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में बना देता हूँ m1 into, ठीक है। फिर कितने मात्रा में ये अवेलेबल है, तो ये है क्या है 75%, तो 75/100 कर देना क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे m2 लिख लेना, m2 into कितने परसेंटेज में अवेलेबल है 25/100 कर देना। तो ये फॉर्मूला बन गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का पहले देख लेना आइसोटोप्स, उसका देखना पहले, फिर आइसोटोप्स के बाद पता करना कि नेचर में लाइक कितने परसेंटेज की मात्रा में अवेलेबल है और फिर फाइंड आउट कर लेना। तो M1 हम लोग यहाँ पे देंगे 35 into 75/100 प्लस M2 मेरा है कितना 37 into 25/100, ठीक है। अब इसको जैसे तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5 U, जो कि एग्जैक्ट यही आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो मेथड है परफेक्टली करेक्ट है और आप लोग यही अप्लाई करता है। अगर वो इक्वली अमाउंट में अवेलेबल है तब तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप हर एक चीज आप लोगों को बारीकी से बताई गई है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फिर भी अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी आकर के लाइव क्लासेस लेकर के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।